नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज उपस्थित है जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का परिणाम जो है आ चुका है और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना चुकी है। इसी में मंडल के सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल करने वाले विनय प्रकाश गौड़, जो इस समय रामकोला विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जो मंडल में सबसे ज्यादा वोट पाके रामकोला विधानसभा में नौ निर्वाचित विधायक हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं विधायक जी, इस जीत को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे। ये हमारी जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और सारे कार्यकर्ता का स्नेह प्रेम आशीर्वाद की जीत है। माले का वजन तो काफी ज्यादा है, थक नहीं रहे? नहीं, थके नहीं है। कितने किलो के वजन होंगे? जाने कितना के वजन है बताइए। कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता हमारे इस समाज के और भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी है। ये लोग के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी की जीत इतनी बहुत प्रचंड हुई है। बाबा जी के बुलडोजर का स्पीड कितना बढ़ने वाला है? अब इनकी स्पीड 140 होने जा रही है। डबल इंजन की सरकार बना ली है। विकास के क्षेत्र में कितना बढ़ने वाला है? देखिए, विकास भारतीय जनता पार्टी जो विकास के ही पथ पर चल कर इतना प्रचंड बहुमत से आई है जी। अयोध्या काशी पूरा हो गया, अब किसकी बारी है? मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी है। बात करेंगे, होली कब से मना रहे हैं? यानी होली शुरुआत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। इन कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे जो आपकी काबिला जनपद से निकला, जैसे सारी काबिलाओं आपके साथ आती रही, इन कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के यही कार्यकर्ता किस प्रचंड जीत के वजह से सारे कार्यकर्ता हमारे पीछे थे और ये जीत इन्हीं की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। अंत में चुनाव में सारे वादे आपको याद है, धरातल में दिखेंगे या वादे ही रहेंगे? नहीं, धरातल में दिखेंगे और दिख रहे हैं। आप देखिए, हर जगह बिजली, लाइट, स्वास्थ्य सब ठीक हो गया है। धन्यवाद। समय नहीं है। और ये रहे रामकोला विधानसभा के नौ निर्वाचित विधायक विनय प्रकाश।